नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज। नजर हर खबर पर। हटा दे, हटा दे। उसको एक बार स्क्रीन पे कर दीजिए, फुल स्क्रीन भैया। दो टू बाइट लो सर, आगे से एसडीएम साहब तो हैं, थोड़ा सा पूरा विजुअल बन जाना चाहिए। एक दो लोग को रोक लीजिएगा। कोरोना मतलब का टाइम चल रहा है, सुरक्षा के क्या इंतजाम थे? सुरक्षा बहुत अच्छी था यहाँ पे, पहले से ही एंट्री होने लगी थी और सब लोग तो जैसे कि ये था कि एक घंटे पहले ही आना है, लेकिन इन लोग सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से बच्चे आगे जा रहे थे और वैसे एंट्री हो रही थी और सारे के पास मास्क और सैनिटाइजर भी प्रोवाइड कर रहे थे और टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा था। तो सारे जो व्यवस्था थी सारी अच्छी। आप कहाँ के रहने वाली हैं? मैं तो यहीं गाजीपुर की, कभी मैं इलाहाबाद से। इलाहाबाद से आज लॉकडाउन भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉकडाउन, तो आने में कोई दिक्कत नहीं हुई? दिक्कत तो हुई कि मतलब कुछ दिन पहले आ गए थे, एग्जाम के लिए आए थे। मनीष जी, बीएड का एग्जाम दे के आ रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं थी कोरोना में? क्योंकि एग्जाम हो रहा है तो सुरक्षा के क्या इंतजाम थे? सुरक्षा को देखते हुए इंतजाम अच्छे थे, कोई डिस्टेंस का पालन किया गया था, अच्छे खासा एक सीट जैसे लोगों को बैठाया गया था और सारी व्यवस्थाएं थी। सैनिटाइजर वगैरह की व्यवस्था सेंटर में? सैनिटाइजर की व्यवस्था थी, खुद लेकर जाना था, मास्क खुद यूज करना था, तो हम लोग साथ में लेकर गए थे, बाकी सब कुछ सही था। कोविड-19 के प्रोटोकॉल में क्या क्या अंजाम किए गए थे सेंटर पर? यहाँ पर 500 बच्चों का सेंटर था। बच्चों के गेट से प्रवेश करते समय ही एक थर्मल स्कैनर था जिससे उनका टेम्परेचर चेक किया गया, पल्स ऑक्सीमीटर था उससे उनके पल्स और ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल को चेक किया गया। कक्ष में आने के बाद दो दो गज की दूरी पर उनके लिए टेबल और चेयर लगी थी और वहाँ प्रॉपर उनको बैठाया गया सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। जिनके पास मास्क नहीं था उनको मास्क उपलब्ध कराया गया और पानी के लिए बच्चों के लिए अलग डिस्पोजल ग्लास थी, उन्हें अलग कोई एक आदमी था जो पानी भर के देता था, पानी उनके पीने की व्यवस्था थी और उनका सैनिटाइजेशन बाकायदे करवाया गया। जब क्लास में बच्चे बैठे उसके पहले कल ही करवा लिया गया था। आज भी जब ये परीक्षा प्रथम पाली की समाप्त हो रही है उसके बाद सभी कमरों में सभी सीट और बेंच पर का सैनिटाइजेशन कराया जाएगा और फिर दोबारा जब वो एंट्री करेंगे फिर से उनकी थर्मल स्कैनिंग और पल्स ऑक्सीमीटर चेक करके उन्हें फिर एंट्री दी जाएगी।